नमस्कार दोस्तों, देखिए आसमान कितना साफ है। अभी दिल्ली से आए हैं, मेरे साथ विजय सर हैं। सर बताइए थोड़ा सा कि आप क्या चाहते हैं। अरे सर, मेरे को भी थोड़ा आई एम नॉट कैमरा। नहीं, आप बोलते जाइए, आपको कैमरे से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा चलिए ठीक है, आप ऐसे बोलिए, मैं आपको कैमरे में नहीं ले रहा हूँ। बताइए जी क्या डिमांड है सर, अभी दिल्ली से आए हैं टाइम निकाल के, क्या चाहते हैं ताकि मैं आपको समझ सकूँ और वही चीज़ दिखाऊँ आपको। क्या सर बताइए क्या चाहिए आपको? आपको एक प्लॉट चाहिए, बजट कितना सर? 70 का। अगर आप 70 का लेंगे तो 10 लाख ऊपर चाहिए रजिस्ट्री का, वो आपका 80 है, मतलब 70 का मतलब 80 है। 80 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि सर मैं बता दूं ना, यहाँ पे आप 70 का माल लेते हो तो 10 लाख तो ऊपर लग जाएगा। प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो 5-10 ऊपर कोई नहीं आता, वो चीज चलती नहीं। ठीक है ठीक है, 70 लाख 80 लाख का आपका बजट है। अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं सर ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगा, आराम से घर में देखो, ना आपको कन्फ्यूजन रहे ना मुझे रहे, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है। जब आप ऑन रिकॉर्ड होते हैं तो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है। तो आप मुझे चाहिए, आपको क्या दिखाऊं, मैं वही चीज दिखाऊंगा, वहीं जाके रोकूंगा गाड़ी को। नहीं 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 सर, ऐसे नहीं हो, मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, आप चले जाओ, मैं यहीं से वापस अपने घर चला जाऊंगा। यहाँ पे 10,000 डीलर ना किसी से मिल लो, अल्फा कमर्शियल बेल्ट में 10,000 डीलर बैठते हैं, और बल्कि हमारा काम आपको सलाह देना है। देखिए आदमी शादी करता है, 20 लड़कियां देखता है, सलाह 20 में कहाँ सेटिंग बैठ जाए, वो व्यवहार के ऊपर है। ठीक है ना, प्लॉट के अंदर भी सर सेम कहानी है। सर पूरा शहर खाली पड़ा है, पूरे ग्रेटर नोएडा में 70 सेक्टर हैं और एक सेक्टर में 300 घर, मानो टोटल यहाँ पे 21,000 घर हैं। 21,000 घर में सिर्फ 10% भरा हुआ है, बाकी सारा खाली पड़ा है। आप किसी सेक्टर में जाएंगे आपकी रूह कांप जाएगी कि यार मैं यहाँ घर रहूंगा मैं। नहीं आप बात समझिए, आप किसी सेक्टर में जाएंगे आपकी रूह कांप जाएगी, मैं यहाँ रह ही नहीं सकता। इसको तो रख लो बाबू जी, पहले बात तो कर लो। तो बात तो मैं सर कर ही रहा हूँ ना, आप ही को तो समझ रहा हूँ ना। आप बोलो ना, मैं आपको तो चेहरा दिखाई नहीं रहा, आप बोलो क्या चाहिए आपको। सर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तो सर रोज का काम है, मैं तो आप जैसे 100 बंदे से मिलता हूँ, बताइए मैं इसमें, मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो सर काम ही यही है। आप, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता ना, मैं आपको वही चीज दिखाऊंगा, आप बोल दो, मैं आपको वही चीज पे लेके जाऊंगा। मैं ऐसे कहाँ चलूँ सर, सारा शहर तो एक जैसा है। आप बताओ ना क्या चाहिए, मैं वहीं आपको रोकूंगा। आपने 80 लाख का बजट बता दिया, आप बताइए आपको आपको क्या चाहिए। देखो आपको सिक्योर चाहिए, किसी सेक्टर में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई आओ कोई जाओ। आप कहते हैं आपको रहना है, आपको रहना तो आपको सोसाइटी वाले प्लाट लेने पड़ेंगे या बिल्डर वाले लेने पड़ेंगे। बिल्डर वाले प्लाट आपको मिलेंगे गौर सिटी, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, या आप जेपी विस्टाउन में लो, या फिर आप जेपी ग्रीन्थ में लो, यहाँ प्लॉट है। जेपी ग्रीन्थ में प्लॉट का रेट है 80,000 रुपये मीटर का, विस्टाउन में प्लाट का रेट है 70,000 रुपये मीटर। अगर आप गौर सिटी में लेंगे प्लॉट का रेट है 40,000 रुपये मीटर, वो वहाँ पे आपको गज में मिलेंगे। बिल्डर आपको गज में प्लॉट देगा, जेपी गोड या किसी से ले लो आप, आपको गज में देगा। गज का मतलब आपका प्लाट की कीमत 25% और बढ़ गई, जो 40 वाला आपको 50 में पड़ेगा। मैं आपको बिल्डर वाला प्लॉट दिखा दूंगा, बिल्डर वाले प्लॉट में कोई घुस नहीं सकता, 100% सिक्योरिटी है उसमें, सेफ फैमिली सेफ है, पर उसमें 25 रुपये मीटर के हिसाब से आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। अगर आपका 100 मीटर का प्लॉट है, हर महीने आपको 25,000 रुपये उनको एज ए मेंटेनेंस फीस देनी पड़ेगी। उसके अंदर आपका पानी होगा, बिजली का बिल आपका लगा आएगा। यहाँ तो सर आप कहीं मैं लेके जाऊंगा, अभी आपका सिक्योरिटी पूछेगा नहीं, कहीं जाओ कहीं आओ, फिर आप कहेंगे सिक्योरिटी नहीं है गर्ग साहब यहाँ पे। ठीक है ना जी, देखिए यहाँ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शहर सिक्योर्ड है। आप डाटा किसी थाने से जाके ले लो कि पिछले साल यहाँ कितने मर्डर हुए हैं, कितनी लूटपाट हुई है, शहर सेफ है। आप सर्वे कर लो, लोगों से पूछ लो। अब आप ये मन बताओ कि आपको P3 लेना है या आपको अंदर के सेक्टर है उनमें लेना है। ठीक है ना जी, वो आपकी मर्जी है, मैं वही आपको जगह दिखा दूंगा। मैंने तो देखो जी देखा नहीं, तो यहाँ पर मेरे को आइडिया नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वही दिखा दो, अगर आप थोड़ा बिजी हो। नहीं मैं सर मैं बिजी नहीं हूँ, चलिए ठीक है, मैं आपको एक सेक्टर दिखाता हूँ सर को, मैं सिग्मा 4 में लेके जा रहा हूँ, तो शायद होपफुली आपको अच्छा लगेगा। चलिए सर सिग्मा 4 चलते हैं।